Hello everyone, this is Jitendra. Welcome to JK Online Classes English Learning Tutorial. In this video, we are going to discuss 25 words that starts with English alphabet H. इस वीडियो में हम लोग इस इंग्लिश अल्फाबेट H से स्टार्ट होने वाले 25 वर्ड्स को डिस्कस करेंगे उनके हिंदी और इंग्लिश मीनिंग के साथ में. In the previous video, we have discussed the sentences of the words that starts with English alphabet G. पिछले वीडियो में हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट G से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स के सेंटेंसेस को डिस्कस किए थे. अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. अगर आप उसे पढ़ना भी चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. इस वीडियो को अगर आप भी पढ़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. नहीं तो आप जेके ऑनलाइन क्लासेस के वेबसाइट www.jkonlineclasses.com पे जाकर के पढ़ सकते हैं. ऑलराइट, सो बिफोर स्टार्टिंग आवर सेशन, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को लाइक करना ना भूले और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें. हमारा पहला वर्ड है हैबिट. हमारा पहला वर्ड है हैबिट. हैबिट का स्पेलिंग हो गया H A B I T, जिसका हिंदी में मतलब हो गया आदत. हैबिट का हिंदी में मतलब हो गया आदत. और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो रेगुलर प्रैक्टिस दैट इज हार्ड टू गिव अप. रेगुलर का मतलब हो गया सामान्यता, प्रैक्टिस का मतलब कोई कार्य और हार्ड मतलब मुश्किल. गिव अप मतलब छोड़ देना. तो एक ऐसा कार्य, एक ऐसा वर्क जिसे छोड़ना मुश्किल हो उसे हम लोग आदत कहते हैं. ओके, ऐसा वर्क जिसे छोड़ना मुश्किल हो उसे हम लोग आदत कहते हैं. जैसे कई लोग का होता है कि सुबह सुबह उन्हें चाय पीने का आदत होता है, बिना चाय के उनके दिन की शुरुआत नहीं होती है. अच्छी आदत है, हेल्दी हैबिट है, ये कोई बुरी आदत नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत चाय हेल्दी हेल्थ के लिए नुकसानदायक होती है, तो कोई बात नहीं, हेल्दी हैबिट हमेशा अपनाना चाहिए. तो हैबिट हमारा पहला वर्ड जिसका स्पेलिंग हो गया H A B I T. हिंदी में इसका मतलब हो गया आदत और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो रेगुलर प्रैक्टिस दैट इज हार्ड टू गिव अप. हमारा दूसरा वर्ड है हैंड. हमारा दूसरा वर्ड है हैंड. हैंड का स्पेलिंग हो गया H A N D. हैंड का स्पेलिंग हो गया H A N D और हिंदी में इसका मतलब हो गया हाथ. हैंड का हिंदी में मतलब हो गया हाथ. अब इसे एक्सप्लेन करके इंग्लिश में कहा जाए तो द एंड पार्ट ऑफ अ पर्सन्स आर्म. एंड पार्ट मतलब आखिरी हिस्सा और पर्सन्स आर्म मतलब इंसान के बांह का. ओके, पर्सन मतलब इंसान, आर्म का मतलब हो गया बांह. तो इंसान के बांह का आखिरी हिस्सा को हम लोग हाथ कहते हैं. हाथ में चार उंगलियां हैं, एक अंगूठा है और पाम यानी हथेली भी है. तो ये हमारे हाथ में रहते हैं. तो ये हो गया हमारा दूसरा वर्ड हैंड जिसका हिंदी में मतलब हो गया हाथ. हमारा तीसरा वर्ड है हैप्पी. हमारा तीसरा वर्ड है हैप्पी. हैप्पी का स्पेलिंग H A P P Y, जिसका हिंदी में मतलब हो गया खुश. हैप्पी का हिंदी में मतलब हो गया खुश और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो फीलिंग प्लेजर का मतलब अनुभव और प्लेजर का मतलब अच्छा होना. तो अच्छा अनुभव होने पे ही कोई इंसान खुश होता है. अगर अच्छा अनुभव नहीं होगा तो वो दुखी कहलाएगा. दुखी होना बुरी बात है, इंसान को दुखी नहीं होना चाहिए. अगर कंडीशन आ जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन इंसान को दुखी नहीं रहना चाहिए. ओके, तो ये हो गया हमारा फीलिंग प्लेजर तीसरा वर्ड का एक्सप्लेनेशन जो कि है हैप्पी और हिंदी में इसका मतलब हो गया खुश. हमारा चौथा वर्ड है हार्ड. हमारा चौथा वर्ड है हार्ड. हार्ड का स्पेलिंग हो गया H A R D. हिंदी में इसका मतलब हो गया कठिन. हार्ड का हिंदी में मतलब हो गया कठिन और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो सॉलिड एंड रेजिस्टेंट टू प्रेशर. सॉलिड का मतलब हो गया कठोर और रेजिस्टेंस का मतलब हो गया विरोध. ओके, रेजिस्टेंट का मतलब हो गया विरोध और प्रेशर का मतलब हो गया दबाव. तो ऐसा कठोर चीज जो कि दबाव को झेल सके उसे हम लोग हार्ड कहेंगे. ऐसा कठोर चीज जो कि दबाव को झेल सके. ओके, अभी यहाँ पे आपको ब्रिक्स दिख रहे होंगे. ये ब्रिक्स क्या है? हार्ड है, ये सॉलिड है. ओके, और ये सॉलिड क्यों है? क्योंकि इनको अगर हम लोग हाथ से दबाना चाहें तो ये हाथ से टूटेगा नहीं जल्दी. इसके लिए हमें हाइड्रोलिक प्रेशर का जरूरत पड़ेगा, तो हैमर का जरूरत पड़ेगा, ये तो कोई ऐसे हेवी ऑब्जेक्ट का जरूरत पड़ेगा जिसके चोट से ये टूट सके. तो ये था हमारा चौथा वर्ड हार्ड जिसका स्पेलिंग हो गया H A R D और इसका हिंदी में मतलब हो गया कठिन. हमारा पांचवा वर्ड है हार्म. हमारा पांचवा वर्ड है हार्म. हार्म का स्पेलिंग हो गया H A R M. हिंदी में इसका मतलब हो गया नुकसान. हार्म का हिंदी में मतलब हो गया नुकसान और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो इंजरी दैट इज डिलिबरेटली इन्फ्लिक्टेड.
ओके, इंजरी दैट इज डिलीबरेटली इन्फ्लिस्टेड, इंजरी का मतलब हो गया जख्म, डिलीबरेटली का मतलब हो गया जानबूझकर, और इन्फ्लिस्टेड का मतलब हो गया चोट पहुंचाना। तो वो जख्म जो कि जानबूझकर चोट पहुंचा करके दिया जा रहा है उसे कहेंगे नुकसान, और जरूरी नहीं कि जानबूझकर के ही हो, नुकसान गलती से भी हो सकती है, लेकिन इसके लिए जो शब्द है वो क्या हो गया, तो हार्म हो गया। ओके, अब गलती से क्यों कहा जा रहा है, मान लीजिए कि बच्चों के हाथ में आप फोन दे देते हैं, तो वो आप उनके हाथ से अगर फोन गिर जाता है तो वो बच्चे मासूम है, वो जानबूझ के उसे गिराएंगे नहीं जब तक वो गुस्से में आकर उसे पटक ना दे। ओके, लेकिन अगर उनके हाथ से फोन गिर जाता है उस केस में फोन का नुकसान हो रहा है, फोन के मालिक का नुकसान हो रहा है, लेकिन वो जानबूझ करके नहीं किया गया है। ये वर्ड आपको बस समझाने के लिए है, बस इसे समझते चलिएगा। हमारा पांचवा वर्ड था फार्म, हिंदी में मतलब हो गया नुकसान, और इसका सेंटेंस क्या हो गया, तो इंजरी दैट इज डिलिबरेटली इन्फ्लिस्टेड। हमारा छठा वर्ड है हार्मनी, हमारा छठा वर्ड है हार्मनी, हार्मनी का स्पेलिंग HARMONY, HARMONY, हिंदी में इसका मतलब हो गया सामंजस्य, हिंदी में हार्मनी का मतलब हो गया सामंजस्य। और एक्सप्लेन करके कहें, द कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूजिकल नोट्स। हार्मनी का दूसरा मतलब भी होता है, वो क्या होता है वो आप कमेंट बॉक्स में करके बताएं। इसमें जो यहाँ पर एक्सप्लेन किया जा रहा है, द कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूजिकल नोट्स, ओके, म्यूजिकल नोट्स मतलब संगीत के जो ध्वनियां तैयार होती हैं उसके कॉम्बिनेशन को हम लोग हार्मनी कहते हैं। ओके, संगीत की ध्वनियां यहाँ पे कहा जा रहा है कि वाद्य यंत्र हो गए, जैसे सितार हो गया, गिटार हो गया, तबला हो गया, ड्रम हो गया, एंड कैसियो हो गया, बहुत सारी चीजें हैं अभी के समय में, तो इन सब के कॉम्बिनेशन को मिला करके कोई म्यूजिक तैयार किया जाता है। तो ये म्यूजिकल नोट्स जो है इनको बना करके जो कॉम्बिनेशन हो रहा है, जो कंप्लीट म्यूजिक बन रहा है, उसे हम लोग हारमोनी कहेंगे, और या हिंदी में उसे सामंजस्य कहेंगे। ओके, सामंजस्य मतलब मिला जुला करके, और दूसरा मीनिंग क्या है हारमोनी का वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। ये तो हमारा छठा वर्ड, हमारा सातवां वर्ड है हेट, हमारा सातवां वर्ड है हेट, हेट का स्पेलिंग हो गया HATE, हेट का स्पेलिंग हो गया HATE, हिंदी में हेट का मतलब हो गया नफरत, हिंदी में हेट का मतलब हो गया नफरत। इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो पैशनेट डिसलाइक मतलब जी जान से नफरत करना, जी जान से ना पसंद करना। ओके, ऐसा कोई ना कोई इंसान होगा सबके जिंदगी में जो जी जान से किसी ना किसी को नफरत करता होगा, लेकिन नफरत किसी से नहीं करना चाहिए। ओके, यहाँ पे आपको समझाने के लिए ऐसी बात किया जा रही है कि साइकोलॉजी का क्लास नहीं है, और ना यहाँ पे मैं आपको साइकोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, ये एक इंग्लिश लर्निंग ट्यूटोरियल है जहाँ पे इंग्लिश के वर्ड्स को आपको हिंदी बताया जाएगा सिर्फ। ओके, तो हमारा जो ये वर्ड है हेट, हेट का हिंदी में मतलब हो गया नफरत, और इंग्लिश में इसका स्पेलिंग मीनिंग हो गया पैशनेट डिसलाइक। ओके, कि जी जान से पसंद ना करना, जी जान से पसंद ना करना। तो ये था हमारा सातवां वर्ड। हमारा आठवां वर्ड है हील, हमारा आठवां वर्ड है हील, हील का स्पेलिंग हो गया HEAL, जिसका हिंदी में मतलब हो गया चिकित्सा करना, हील का हिंदी में मतलब होगा चिकित्सा करना। और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो टू बिकम हेल्दी, हेल्दी का मतलब स्वस्थ, बिकम का मतलब होना, यानी स्वस्थ होना। ओके, हील मतलब चिकित्सा करना यानी ठीक होना। मान लीजिए कि अगर कट लग जाता है कहीं पे, देन आप उसके लिए दवाई लगाते हैं, या तो बैंडेड लगाते हैं, या तो एंटीसेप्टिक क्रीम लगाते हैं। व्हाई दीज थिंग्स आर बीइंग यूज्ड टू गेट योरसेल्फ रिकवर्ड, ताकि आप हील हो सके, आप जल्दी से जल्दी रिकवर हो सके, आप फिर से ठीक हो सके, आप अपना चिकित्सा कर रहे हैं उस केस में। हमारा ये था आठवां वर्ड। हमारा नौवां वर्ड है हेल्दी, हमारा नौवां वर्ड है हेल्दी, हेल्दी का हिंदी में मतलब हो गया स्वस्थ, हिंदी हेल्दी का हिंदी में मतलब हो गया स्वस्थ। इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो इन गुड फिजिकल और मेंटल कंडीशन। गुड का मतलब अच्छा, फिजिकल का मतलब शारीरिक, मेंटल का मतलब मानसिक, और कंडीशन का मतलब व्यवस्था। तो जो इंसान या जो जानवर अगर अच्छे या फिर स्वस्थ शारीरिक और मानसिक स्थिति से, अगर मानसिक स्थिति से आप टेंशन में हैं, या इससे पहले एक वर्ड आया था भी हेट नफरत, अगर आप किसी से नफरत करें तो आप मानसिक स्थिति से सही नहीं है, ठीक है, आप कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा हरकत करिएगा। तो इसलिए एक हेल्दी इंसान को फिजिकली और मेंटली कंडीशन में भी फिट रहना चाहिए। तो इसलिए हमेशा हंसते रहिए, हैप्पी रहिए, खुश रहिए। इट वॉज आवर नाइन्थ वर्ड हेल्दी, जिसका हिंदी में मतलब हो गया स्वस्थ। इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो इन गुड फिजिकल और मेंटल कंडीशन, यानी शारीरिक और मानसिक रूप से अच्छे व्यवस्थित रूप से रहे। इट वॉज आवर नाइन्थ वर्ड। हमारा टेंथ वर्ड है हर्ट, हेल्दी का स्पेलिंग HEALTHY, हेल्दी का स्पेलिंग यहाँ डिस्कस नहीं किया गया था, हेल्दी का स्पेलिंग हो गया HEALTHY।
ये तो हमारा नौवा वर्ड। आवर टेंथ वर्ड इज हर्ट, आवर टेंथ वर्ड इज हर्ट। हर्ट का स्पेलिंग हो गया एच ई ए आर टी, हर्ट का स्पेलिंग हो गया एच ई ए आर टी। हर्ट का हिंदी में मतलब हो गया दिन, हर्ट का हिंदी में मतलब हो गया दिन। और इसको इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहे तो अ मस्कुलर ऑर्गन दैट पंप्स ब्लड, अ मस्कुलर ऑर्गन दैट पंप्स ब्लड। मस्कुलर मतलब मांस का ऑर्गन, शरीर के अंग को ऑर्गन कहते हैं, और पंप्स ब्लड। तो हर्ट का काम क्या है, दिल का काम क्या है कि वो हमारे शरीर में खून पहुंचाता है सब जगह पे, ठीक है। लब डब इसका साउंड है, तो इस साउंड, ये तो इसका साउंड हो गया। ये पंपिंग करता है ब्लड का हमारे पूरे बॉडी में, सर्कुलेशन में मदद करता है। ओके, अब मस्कुलर ऑर्गन यानी मांस का वो ऑर्गन जो कि हमारे शरीर में ब्लड पहुंचाने का काम करता है। अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में एक हर्ट का इमोजी कमेंट कर दे। ये था हमारा 10वां वर्ड। हमारा 11वां वर्ड है हेवी, हमारा 11वां वर्ड है हेवी। हेवी का स्पेलिंग हो गया एच ई ए वी वाई, एच ई ए वी वाई। इसका हिंदी में मतलब हो गया भारी, हेवी का हिंदी में मतलब हो गया भारी। इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहे तो ऑफ ग्रेट वेट, ऑफ ग्रेट वेट। ग्रेट का मतलब महान भी होता है, अच्छा भी होता है, बड़ा भी होता है। ओके, और वेट का मतलब हो गया वजन, तो वो चीज जिसका वजन बहुत ज्यादा बड़ा हो। अगर जिसका वजन बहुत ज्यादा बड़ा हो उसे हम लोग कहेंगे भारी, या उसे इंग्लिश में कहेंगे हेवी, जिसका स्पेलिंग हो गया एच ई ए वी वाई। तो ऑफ ग्रेट वेट इज द इंग्लिश एक्सप्लेनेशन ऑफ द वर्ड हेवी, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं भारी। हमारा 12वां वर्ड है हेल्प, हमारा 12वां वर्ड है हेल्प। हेल्प का स्पेलिंग हो गया एच ई एल पी, एच ई एल पी। हिंदी में हेल्प का मतलब हो गया मदद, हिंदी में हेल्प का मतलब हो गया मदद। इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो द एक्शन ऑफ हेल्पिंग, द एक्शन ऑफ हेल्पिंग। एक्शन का मतलब क्रिया और हेल्पिंग का मतलब मदद, यानी मदद करने, हेल्पिंग मतलब दूसरों की मदद करना। या ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं रहेगी इसको, वैसे एक्शन ऑफ हेल्पिंग यानी दूसरों की मदद करने की क्रिया को हम लोग हेल्प कहते हैं, दूसरे की मदद करने की क्रिया को हम लोग हेल्प कहते हैं। और दूसरों की मतलब सर जरूरतमंदों की, ठीक है, नहीं तो ऐसे कई होते हैं जो आपका फायदा उठाने लग जाएंगे, जरूरतमंदों की। ये तुम्हारा 12वां वर्ड। हमारा 13वां वर्ड है हीरो, हमारा 13वां वर्ड है हीरो, जिसका स्पेलिंग हो गया एच ई आर ओ। हीरो का स्पेलिंग हो गया एच ई आर ओ। हिंदी में इसका मतलब हो गया नायक, हिंदी में हीरो का मतलब हो गया नायक। इसको इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो अ पर्सन हु इज एडमायर्ड, अ पर्सन हु इज एडमायर्ड। पर्सन का मतलब इंसान, हु मतलब यहाँ पे कौन हो गया, लेकिन यहाँ पे हु के इसके लिए इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि एडमायर्ड का मतलब प्रशंसा करना। तो वो इंसान जिसकी प्रशंसा की जा रही है वो क्या कहलाएगा, तो हीरो। जरूरी नहीं कि बड़े पर्दे पर जो दिखने वाला एक्शन हीरो है, बहुत सारे ऐसे हीरो हैं जिनको आप नाम जानते होंगे, जिनको सबको जानता है, चाहे वो भोजपुरी हो, बॉलीवुड हो, साउथ का हो, अंग्रेजी हो, हर पिक्चर में हीरो होता है। ओके, और तो जरूरी नहीं कि उसी को हीरो कहा जाए। हर अच्छा काम करने वाला जिसकी तारीफ की जा रही है वो रियल लाइफ हीरो होते हैं। अगर वो रियल लाइफ हीरो होते हैं तो अ पर्सन हु इज एडमायर्ड, उसको हिंदी में कहेंगे नायक और इंग्लिश में कहेंगे हीरो, जिसका स्पेलिंग हो गया एच ई आर ओ। अब 14th वर्ड इज हाइड, अब 14th वर्ड इज हाइड। हाइड का स्पेलिंग एच आई टी ई, एच आई डी ई। हाइड का स्पेलिंग एच आई डी ई, जिसका हिंदी में मतलब हो गया छुपाना। हाइड का हिंदी में मतलब हो गया छुपाना, और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो कीप आउट ऑफ साइट, कीप आउट ऑफ साइट। ओके, कीप आउट ऑफ मतलब कि दूर रखना, और साइट मतलब नजर। तो जिस चीज को नजर से दूर रखा जा रहा है उसे हम लोग कहेंगे छिपाना। बचपन में आप लोगों ने लुक्का छिपी का गेम खेला होगा। ओके, तो उसमें आप उस केस में क्या होता था कि बच्चे अपने आप को छुपाया करते थे, और एक जो हुआ करता था वो आकर के बाकियों को ढूंढा करता था। तो उस जो छुपाने वाली चीज को हम लोग इंग्लिश में कहेंगे हाइड, हिंदी में इसका मतलब है छुपाना। इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो कीप आउट ऑफ साइट, यानी जिसको नजर से दूर रखा जा रहा है। तो ये हो गया छुपाने के लिए एक्सप्लेनेशन फॉर द वर्ड हिंदी। आवर 15th वर्ड इज हाई, आवर 15th वर्ड इज हाई। हाई का स्पेलिंग हो गया एच आई जी एच, एच आई जी एच, जिसका हिंदी में मतलब हो गया उच्च। हाई का हिंदी में मतलब हो गया उच्च। इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो ऑफ ग्रेट वर्टिकल एक्सटेंट, ऑफ ग्रेट वर्टिकल एक्सटेंट। ग्रेट का मतलब यहाँ पे बड़ा कहा जा रहा है, वर्टिकल का मतलब ऊंचाई पे। ओके, तो वर्टिकल यानी ऊंचाई पे, और एक्सटेंट मतलब जितनी ऊंचाई पे जा सके। ओके, जितनी ऊंचाई पे भी जा सके। अगर आप स्कूल में पढ़ते हैं तो आपके स्कूल का बिल्डिंग होगा, अगर उसकी ग्राउंड फ्लोर हो है तब भी उसका
तो उसका सीलिंग आपके लिए ऊंचा है, अगर वो भी एक हाइट पे है, यानी वो एक हाई है। अगर दो दो स्टोरी का बिल्डिंग है तो वो और बिल्डिंग ज्यादा ऊंचा हो गया। तीन स्टोरी का है, जितना बड़ा स्कूल उतना ज्यादा बिल्डिंग स्टोरी होते हैं उसमें, उतने ज्यादा तल्ले होते हैं, हिंदी में कहा जाए तो उतना तल्ला है उस मकान में या उस बिल्डिंग में। तो अभी का सबसे बड़ा बिल्डिंग वर्ल्ड में कौन सा है? बहुत ही कॉमन नाम है, बच्चा बच्चा उसको जानता है, उस पे गाना भी बन चुका है। वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि अभी का सबसे बड़ा बिल्डिंग कौन सा है, विच इज द हाईएस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड एट प्रेजेंट। इट वाज आवर 15th वर्ड हाई, जिसका स्पेलिंग हो गया HIGH, हिंदी में इसका मतलब हो गया उच्च, इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो ऑफ ग्रेट वर्टिकल एक्सटेंट। हमारा 16वां वर्ड है हिंडर, हमारा 16वां वर्ड है हिंडर। हिंडर का स्पेलिंग HINDER, हिंदी में इसका मतलब हो गया रोकना। हिंडर का हिंदी में मतलब हो गया रोकना, इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो क्रिएट डिफिकल्टीज फॉर। क्रिएट का मतलब बनाना, डिफिकल्टीज मतलब कठिन, और फॉर मतलब के लिए, तो कठिनाइयां बनाना किसी के लिए वही कहलाएगा हमारा हिंडर, यानी रोकना। तो इसके लिए कॉमन सा एग्जांपल, आप लोगों ने ऐसा रेस देखा होगा जिसमें हर्डल रेस होते हैं, जिसमें रेसर जो होता है वो पट्टी के ऊपर से कूद करके जाता है, अगर देखा होगा तो। और नहीं भी तो आपने कुछ ना कुछ ऐसा जरूर खेला होगा कोई ना कोई, जिसमें कुछ ना कुछ पड़ाव आता है और आपको उसे इग्नोर करके आगे बढ़ना होता है। ओके, तो ये सब क्या हो गया आपके लिए? हिंडर हो गया, आपके लिए रुकावट हो गए। और ये रुकावट क्यों है? ताकि आपको परेशानियां हो सके। तो परेशानियों से डरना नहीं है, घबराना नहीं है, आप पढ़ाई लिखाई में अच्छे बने रहिए तो आप सारे रुकावटों को पार कर जाइएगा। यू विल डेफिनेटली क्रॉस ऑल द डिफिकल्टीज दैट हैड बीन मेड बाय द अदर्स, दूसरों के द्वारा बनाए गए सारी कठिनाइयों को आप आसानी से पार कर लीजिएगा। तो ये था हमारा एक्सप्लेनेशन फॉर द वर्ड हिंडर, जिसका स्पेलिंग हो गया HINDER, हिंदी में इसका मतलब हो गया रोकना, और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो क्रिएट डिफिकल्टीज फॉर। इट वाज आवर 16th वर्ड। आवर 17th वर्ड इज हॉबी। आवर 17th वर्ड इज हॉबी, जिसका स्पेलिंग हो गया HOBBY, हिंदी में इसका मतलब हो गया शौक। Okay, हिंदी में इसका मतलब हो गया शौक। इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो एन एक्टिविटी डन रेगुलर इन लीजर। एक्टिविटी का मतलब कार्य, डन रेगुलर का मतलब कि जो रोजमर्रा की जिंदगी में हो, या फिर आमतौर पे आप रेगुलर कभी भी कर देते होंगे, और इन लीजर मतलब वो काम करने में आनंद भी आए। ठीक है, तो ऐसा काम जिसको करने में आपको आनंद आए वो कहलाता है शौक। ओके, जैसे लाइक बच्चों को चॉकलेट खाने का ज्यादा शौक होता है। ओके, अगर उनका ये शौक पूरा नहीं किया जाएगा, अभी के समय में खास करके देखने को मिलता है कि बच्चों को चॉकलेट खाने का ज्यादा शौक होता है, अगर उनका शौक पूरा नहीं किया जाएगा तो मैं आपको लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ, गांव में, मैं अभी गांव पे रह रहा हूं, तो यहां पे बच्चे ऐसे भी जो गाली भी देने लग जाते हैं। ओके, तो ये लाइव एग्जांपल है आपके लिए। डिमांड पे अगर वो बच्चा कभी आया मेरे चैनल पे तो जरूर मिलवाऊंगा, कोशिश तो है कि उसकी ये आदत को छुड़वा दूं। ओके, तो इस तरीके का शौक बच्चों के अंदर ना पैदा हो सके, ताकि वो गलत चीज ना सीख सके, उसके लिए उनके पेरेंट्स को कुछ ना कुछ कदम उठाना पड़ेगा। ओके, तो ये हो गया हॉबी, HOBBY, हिंदी में मतलब हो गया शौक, इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो एन एक्टिविटी डन रेगुलर इन लीजर, वो कार्य जो कि करने में आपको आनंद आए और आमतौर पर आप करते रहते हैं वो कार्य। इट वॉज अवर 17th वर्ड। हमारा 18th वर्ड है होल्ड। इसका स्पेलिंग हो गया HOLD। होल्ड का स्पेलिंग हो गया HOLD, हिंदी में इसका मतलब हो गया पकड़। होल्ड का हिंदी में मतलब हो गया पकड़, और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो ग्रैस्प विथ वन्स आर्म। ग्रैस्प का मतलब हो गया पकड़ना, और वन्स आर्म मतलब बांह से। अगर आप बांह, जरूरी नहीं कि आप इंसान का ही बांह लगाएं, आर्म टोंग होते हैं, चिमटा जिसको कहते हैं, तो वो चिमटा का दो मुंह ओपन होता है, ठीक है, दो मुंह ओपनिंग होता है, तो उनको भी हम लोग आर्म ही कहते हैं। ओके, तो जरूरी नहीं कि ये इंसानी बांह से ही पकड़ा जाए, किसी ऑब्जेक्ट के मदद से, दो आर्म के हेल्प से भी अगर कुछ पकड़ा जा रहा है तो उसको भी हम लोग होल्ड कहेंगे। ओके, चिमटी की, ये चिमटा का कॉमन एग्जांपल दिया गया है। इस तरीके के बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जिसको डेली लाइफ में यूज किया जाता है, जिनमें आर्म्स होते हैं, और उन आर्म्स की मदद से ऑब्जेक्ट्स को पकड़ा जाता है। ओके, सो इट वाज आवर 18th वर्ड होल्ड, जिसका हिंदी में मतलब हो गया पकड़, और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो ग्रैस्प विथ वन्स आर्म। इट वाज आवर 18th वर्ड। आवर 19th वर्ड इज ऑनर।
अवर 19th वर्ड इज ऑनर। ऑनर का स्पेलिंग हो गया HONOR, HONOR। हिंदी में इसका मतलब हो गया सम्मान। ऑनर का हिंदी में मतलब हो गया सम्मान। इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो हाई रेस्पेक्ट। इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो हाई रेस्पेक्ट। ओके, हाई का मतलब उच्च और रेस्पेक्ट का मतलब आदर। हाई का मतलब रेस्पेक्ट, उच्च का मतलब आदर, रेस्पेक्ट का मतलब आदर। तो जो हाईली रेस्पेक्ट हो, जिसको आप ज्यादा आदर करें, ठीक है, बड़े बुजुर्गों का आदर करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सामने आदर कर रहे हैं और फिर पीछे जाकर के उनका मजाक उड़ा रहे हैं, तो वो कभी फलदायक नहीं रहेगा। ओके, तो ये था हमारा वर्ड ऑनर, जिसका हिंदी में मतलब हो गया सम्मान और इंग्लिश में मतलब हो गया हाई रेस्पेक्ट, यानी उच्च आदर। ये समझाने के लिए था। 20वां वर्ड है हमारा होप। यहाँ कुछ बातें ऐसे बोल दूंगा मैं जो शायद आप लोगों को साइकोलॉजिकल लगे, लेकिन ये फॉर द पर्पस ऑफ स्टूडेंट्स, अगर आप विद्यार्थी हैं तो ये बातें आपको जानने की जरूरत है। Therefore, I am here। मैं यहाँ खान सर की तरह जरूरी नहीं कि किसी पॉलिटिकल मुद्दे पे या अलग अलग मुद्दों पे डिस्कशन करूं। दीज आर जस्ट द इंग्लिश स्पीकिंग ट्यूटोरियल फॉर दोज जिन्हें लगता है कि इंग्लिश एक कठिन विषय है, ठीक है, जिन्हें लगता है कि इंग्लिश एक कठिन विषय है। बिल्कुल कठिन विषय नहीं है, अगर आप उसे पढ़ने के लिए डेडिकेशन देंगे, समय देंगे तब। ये था हमारा 19वां वर्ड। हमारा 20वां वर्ड है होप। हमारा 20वां वर्ड है होप, जिसका इंग्लिश में मतलब हो गया HOPE, स्पेलिंग हो गया HOPE। हिंदी में मतलब हो गया आशा। होप का हिंदी में मतलब हो गया आशा। इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो अ फीलिंग ऑफ एक्सपेक्टेशन, अ फीलिंग ऑफ एक्सपेक्टेशन। ओके, फीलिंग का मतलब हो गया अनुभव, एक्सपेक्टेशन का भी मतलब आशा ही होता है, यानी किसी से आशा लगा करके बैठ लेना, ठीक है, किसी से कुछ उम्मीद लगा करके बैठ लेना। तो उम्मीद लगाने के अनुभव को हम लोग आशा कहते हैं। मुझे आशा है कि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, गांव गरीब घर के बच्चों तक पहुंचेगी, जो घर पे बैठ करके, जिन्हें लगता है कि वो महंगे कोचिंगों के पैसे नहीं दे सकते हैं, वो घर पे बैठ करके, हर हाथ में अब फोन है तो वो घर पे बैठ करके इंग्लिश पढ़ सकते हैं। मुझे ये आशा है कि ये उन बच्चों तक जरूर पहुंचेगी, और अगर पहुंच रही है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। ये था हमारा 20वां वर्ड होप, जिसका हिंदी में मतलब हो गया आशा, और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो अ फीलिंग ऑफ एक्सपेक्टेशन। सो इट इज माय एक्सपेक्टेशन दैट एवरी चाइल्ड एट विलेज लेवल शुड गेट टू नो इंग्लिश इन देयर होम। Our 21st word is hug। हमारा 21st word है hug। अब इसे गलत में sense में ले लीजिएगा। इसका spelling हो गया HUG। इसका spelling हो गया HUG। हिंदी में इसका मतलब हो गया गले लगाना। hug का हिंदी में मतलब हो गया गले लगाना। English में explain करके कहें तो squeeze tightly in one's arms। Okay, squeeze tightly in one's arms। किसी को बाहों में भर लेना। Okay, उसको हम लोग कहते हैं गले लगाना। गले आप लोग भी एक दूसरे को लगाते होंगे एज अ फ्रेंड, और या किसी भी चीज को, अपने प्यारी चीजों को गले लगाते ही हैं, तो उसे हम लोग हग करते हैं। ओके, यानी हम लोग उसे अपने बाह में कस के पकड़ लेते हैं, अपने बाहों में उसे भर लेते हैं। इट वॉज अवर एक्सप्लेनेशन फॉर द वर्ड हग, जिसे हिंदी में हम लोग कहेंगे गले लगाना। अवर 22nd वर्ड इज हम्बल। अवर 22nd वर्ड इज हम्बल, जिसका स्पेलिंग हो गया HUMBLE। HUMBLE, इसका हिंदी में मतलब हो गया विनम्र। हम्बल का हिंदी में मतलब हो गया विनम्र। इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो हैविंग अ मॉडेस्ट एस्टिमेट ऑफ वन्स इंपॉर्टेंस। ओके, हैविंग अ मॉडेस्ट एस्टिमेट ऑफ वन्स इंपॉर्टेंस। विनम्र कहने का मतलब कि आप मेंटली किसी भी चीज को कैसे हैंडल कर रहे हैं, ठीक है, शांत स्थिति में रहें। जरूरी नहीं कि आप हर छोटे छोटे चीजों पर गुस्सा हो जाए, अपना हाथ पटकने लगे और पैर पटकने लगे, इससे आप अपने आप को ही नुकसान पहुंचाइएगा। किसी के बातों का जल्दी बुरा नहीं मानिए, क्योंकि वो बात आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। आप अपने कर्म पे ध्यान दीजिए। इट वॉज आवर एक्सप्लेनेशन फॉर हैविंग दैट इज हैविंग अ मॉडेस्ट एस्टिमेट ऑफ वन्स इंपॉर्टेंस। ये एक्सप्लेनेशन हो गया वर्ड हम्बल के लिए, और हिंदी में इसका मतलब हो गया विनम्र। इट वॉज आवर 22nd वर्ड। आवर 23rd वर्ड इज ह्यूमर। अवर 23rd वर्ड इज ह्यूमर, जिसका स्पेलिंग हो गया HUMOR। HUMOR, हिंदी में ह्यूमर का मतलब हो गया मजाक। हिंदी में ह्यूमर का मतलब हो गया मजाक, और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो द क्वालिटी ऑफ बीइंग अम्यूजिंग और कॉमिक। ओके, द क्वालिटी ऑफ बीइंग अम्यूजिंग और कॉमिक। क्वालिटी का मतलब गुण, बीइंग अम्यूजिंग यानी ऐसा गुण जिसकी वजह से आप दूसरों को हंसा सके। अभी ऐसा गुण जिसकी वजह से आप दूसरों को हंसा सके, उसे हम लोग कहेंगे ह्यूमर।
कॉमेडी मूवीज आपने देखी होंगी, कॉमेडी सीरियल्स देखे होंगे, अभी के समय में सब रील्स चलाते हैं, शॉर्ट्स चलाते हैं। कुछ टर्म्स, कुछ म्यूजिक ऐसे होते हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे म्यूजिक है जिसको देख करके बच्चे हंस देते हैं। अब बच्चे क्या, बहुत सारे ऐसे गंदे जोक्स भी आने लग गए हैं अब, जिसे जानबूझ के अपलोड किया जाता है ताकि उनका व्यूज बढ़े, सब्सक्राइबर्स बढ़े। तो उनको एज रिस्ट्रिक्टेड करके लगाना चाहिए ताकि वो जो वैलिड है, जो उस उम्र के हैं, बस उन्हीं तक तो पहुंचे। ऐसा नहीं कि हर हर बच्चों तक पहुंचे और वो भी उस तरीके की चीजें सीखने लग जाए। तो ये था हमारा 23वां वर्ड ह्यूमर, जिसका स्पेलिंग हो गया HUMOR। हिंदी में इसका मतलब हो गया मजाक, और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो द क्वालिटी ऑफ बीइंग अम्यूजिंग और कॉमिक, यानी किसी को हंसाने के गुण को हम लोग कहेंगे कॉमिक। अब आपका सबसे फेमस कॉमिक हीरो कौन है वो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, किस हीरो ने आपको सबसे ज्यादा हंसाया है वो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। हिंदी में हंगर का मतलब हो गया भूख, और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो अ फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट कॉज्ड बाय लैक ऑफ फूड। ओके, अ फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट कॉज्ड बाय लैक ऑफ फूड। फीलिंग का मतलब अनुभव, डिस्कम्फर्ट का मतलब असहज महसूस होना, कॉज्ड बाय लैक ऑफ फूड खाने की कमी की वजह से। ओके, खाने की कमी की वजह से, खेलते खेलते आप थक जाते हैं तो घर पे आके मम्मी चिल्लाते हैं कि खाना लाओ। ओके, तो वो क्यों चिल्लाते हैं, क्योंकि आपको भूख लग गई होती है, और उससे पहले भी समय हो गया होता है तो मम्मी भी आपको बुला रही होती है कि समय पे खाना खा लो ताकि आपको भूखा ना रहना पड़े। ओके, तो ये हो गया अ फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट कॉज्ड बाय लैक ऑफ फूड, यानी खाने की कमी की वजह से असहजता महसूस होना, उसे हम लोग कहेंगे भूख। एंड भूख हिंदी किसका हो गया, तो हंगर का। तो इट वाज आवर 24th वर्ड। आवर 25th वर्ड इज हरी। आवर 25th वर्ड इज हरी। हरी का स्पेलिंग हो गया HURRY। हिंदी में इसका मतलब हो गया जल्दी। हरी का हिंदी में मतलब हो गया जल्दी, और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें सो मूव और एक्ट क्विकली देन यूजुअल। Move और act quickly than usual. Move का मतलब गति में आना, act quickly यानी तुरंत गति में आना, than usual यानी आप मान लीजिए कि आप walk कर रहे हैं, okay, walk कर रहे हैं और दौड़ना शुरू कर दें, तो दौड़ने के लिए जो टर्म है वो है run। तो जब आप दौड़ रहे हैं यानी you are in hurry, आप जल्दी में हैं। अब आपको कोई टीचर अगर बुलाता है किसी चीज के लिए, किसी वर्क के लिए, तो आप क्या करते हैं कि कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी उस टीचर तक पहुंच सके, जल्दी से जल्दी उस टीचर तक पहुंच सके ताकि आप उनके नजर में एक अच्छे स्टूडेंट बन सके। इट वॉज माई एक्टिविटी। और मैं भी आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपसे बड़ा आपको अगर बुलाता है स्कूल में, ऐसा नहीं कि हर टीचर्स को रहने दीजिए, किसी भी काम के लिए, खेलने के लिए जैसे आप लोग तुरंत भाग जाते होंगे फील्ड में, मैदान में, पार्क में, गार्डन में, जहां भी खेलने जाते हैं, यू रैन देयर हर्ली, आप वहां पे तुरंत जल्दी में भाग जाते हैं। सो मूव और एक्ट क्विकली देन यूजुअल, नॉर्मली तरीके से, सामान्य तौर से, अगर और अलग तरीके से तेजी से अगर काम कर रहे हैं तो उसे हम लोग कहेंगे हरी, और हरी का हिंदी में मतलब हो गया जल्दी। So, these are the 25 words which has been discussed in this video. इस वीडियो में ये वो 25 words हैं जो कि English alphabet H से start होते हैं। और these are the daily life words, ये रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले शब्द हैं जो कि आपको English communicate करने में बहुत ही मदद करेंगी। English communicate करने में कैसे, ये सीरीज खत्म होने के बाद मैं आपको डेली लाइफ के सेंटेंसेस भी एक्सप्लेन करूंगा, और डेली लाइफ के सेंटेंसेस फॉर दोज स्टूडेंट्स जिन्हें लगता है कि गांव पे इंग्लिश नहीं बोला जा सकता है। नहीं, आप गांव पे रह करके भी इंग्लिश बोला जा सकते हैं। आपका भी मॉर्निंग सुबह ही है, आपका भी इवनिंग शाम ही है। यू आर सीइंग द बफेलो, आप भी भैंस को देख रहे हैं। यू आर सीइंग द कार, आप भी गाड़ी को देख रहे हैं। सो इंग्लिश बोलना कोई कठिन नहीं है। आई होप, मेरी जो उम्मीद है कि भारत के हर गाँव तक इस तरीके का ट्यूटोरियल पहुंच सके। YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो फ्री में पहुंचा सकता है। Therefore, आई एम ट्राइंग my बेस्ट टू रीच every चाइल्ड इन their फोन। These are the 25 words which have been discussed in this video. वी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। थैंक यू।